हेलो, आज मैं वटाने की रेसिपी निमोना बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जीरा ली हूँ, लहसुन ली हूँ, धनिया ली हूँ, हरा मिर्ची ली हूँ, तो टमाटर है और एक आलू और ये दो वड़ी है उड़द की दाल की। ये वटाना है, वटाना मैंने इसको ली हूँ और ये हल्दी है, हल्दी पाउडर का मैंने ली हूँ। राई के तेल में मैं बनाऊँगी, तो जो ये मसाला है मैं इसको मिक्सर में डाल के पहले मसाले को पीस लूँगी। फिर अभी ये वटाने को मैं दरदरा पीस ली हूँ, इसको बारीक ज़्यादा नहीं करना है, दरदरा रहे। अगर एक एक टुकड़ा रह गया है तो उसको हाथ से मसल के बारीक कर ले, हाथ से तोड़ दे उसको। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार कर ली हूँ और ये मसाला भी मेरा पीस के रेडी हो गया है। अभी मैं कढ़ाई में तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं सबसे पहले वड़ी डालूँगी, वड़ी मेरा लाल हो जाएगा तो उसमें मैं बटाटा डाल दूँगी। बटाटा डालने के बाद मैं इसमें मसाला डालूंगी और मैं तीनों को डाल के भूज लूंगी। अभी मैं भूज रही हूँ, कम से कम इसको तीनों को भूजूंगी, कम से कम दो मिनट तक भूजती हूँ, तेल ऊपर आने तक इसको मैं भूज लूंगी। तो इस तरह से इसको कंटिन्यू चलाते हुए मैं भूजूंगी और वटाना मेरा अभी मैं इसके बाद डालने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरा वटाना है, वटाने को मैं अभी इसमें डाल के इसको भी मैं इसके साथ में मिक्स करके भूजूंगी। तो इसको कम से कम मैं 5 मिनट तक भूजूंगी, मीडियम गैस पर 5 मिनट तक इसको मैं भूजूंगी। तो इस तरह से मैं इसको फ्राई करूंगी, कढ़ाई में चिपके नहीं, इस तरह से निकालते निकालते मैं इसको भूनूंगी। ये यूपी का मशहूर रेसिपी है, इसको वटाने की निमोना बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, सीजन रहता है तो सीजन में लोग बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ये जो पानी उसका जो थोड़ा सा था मिक्सर का, वो भी मैंने ऐड कर ली हूँ इसका। तो मेरा 5 मिनट भूजने के बाद मैं वो पानी को ऐड की हूँ, अच्छे से भूज के हो जाने के बाद। तो अभी मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मिक्स करने के बाद आपको जितना इसमें पानी ऐड करना है उतना आप पानी ऐड कर लीजिए और 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, मतलब आधा ग्लास के लगभग इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपका ये निमोना पकते पकते इसका बटाटा भी पक जाना चाहिए और ये थोड़ा खाली हो जाए। अभी मैंने टमाटर को कट की हूँ, थोड़ा बड़ा ही कट करके टमाटर को मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। तो अभी मैं टमाटर डालिए और नमक अपने स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए। इस हिसाब से मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसको ढक दूंगी, ढकने के बाद इसको मैं मीडियम गैस रख दूंगी, ज़्यादा वैसा नहीं रखूंगी, नहीं तो फिर आलू नहीं पकेगा। तो देखिए मेरा ये पक के तैयार हो गया है। तो इस तरह से मेरा आधा इंच खाली हुआ। मेरा ये लोखंड की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, इसमें आयरन रहता है तो भाजी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई कोई भाजी मैं इसमें बनाती हूँ, ये मेरा यूपी से मैं लेके आई थी, मेरा ये लोखंड की कढ़ाई, तो इसमें भी सब्ज़ी बनाना बहुत अच्छा होता है कुछ भाजी। अब ये देखिए मैंने ये निकाल के ऐसा मैंने रख दी हूँ। तो ये देखिए पकने के बाद इतना ठीक हो जाता है, इसको आप राइस के साथ कैसे भी खाइए। तो देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर।